आप देख रहे हैं VS Nation, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। VS Nation में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुंबई में संस्कार भारती द्वारा सिनेमाई विरासत पर दो दिवसीय संगोष्ठी सिने टाकीज 2022 में सिने जगत की हस्तियों ने की शिरकत। जाने माने कवि लेखक पद्मश्री प्रसून जोशी के संभाषण के साथ हुआ समापन। मुंबई विश्वभर में भारतीय कला व संस्कृति के प्रचार प्रसार में जुटी प्रतिष्ठित संस्था संस्कार भारती ने एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स मुंबई विश्वविद्यालय और IGNCA के साझा प्रयासों से भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ और देश की स्वतंत्रता में भारतीय सिनेमा के योगदान का जश्न मना रही है। इस संबंध में आयोजित दो दिवसीय संगोष्ठी सिने टॉकीज आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत सिनेमा से जुड़ी हुई सुनहरी यादों और रुचिकर संवादों के साथ हुई। सिने टॉकीज 2022 के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय संस्कृति राज्य व संसदीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। इनके अलावा इस समारोह में पहले दिन पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त अभिनेत्री श्रीमती आशा पारिक, जाने माने लेखक निर्देशक व पद्मश्री सम्मानित श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी, IGNCA के सदस्य सचिव श्री सचिनानंद जोशी, मुंबई विश्वविद्यालय के उप कुलपति व संस्कार भारती के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सुहास पेड़नेकर और श्री वासुदेव कामत जैसे गणमान्य हस्तियों ने इस आयोजन में भाग लिया। इनके अलावा संस्कार भारती द्वारा आयोजित सिने टॉकीज 2022 के दो दिवसीय समारोह में विभिन्न क्षेत्र से संबंध रखने वाली गणमान्य हस्तियां, भारतीय सिनेमा दुनिया से जुड़े तमाम लोग, देश के नामचीन फिल्मकार, सिनेमा के छात्र, समालोचक और सिनेमा प्रेमी बड़े ही उत्साह से भाग लेते दिखाई दिए। इस दो दिवसीय आयोजन में 500 के करीब लोगों ने भाग लिया, जहां पर आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर यह अनूठे समारोह के साक्षी बने। उद्घाटन के दिवस शाम को रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया, जहां जाने माने संगीतज्ञ कौशल इनामदार और कमलेश भड़कमकर ने अपने स्वतंत्र गायन के माध्यम से वहां लोगों का मन मोह लिया। दूसरे दिन यहां पर कई गणमान्य हस्तियां उपस्थित हुई, जिनमें संगीतकार अनु मलिक, दुर्गा जसराज और लेखक निर्देशक ओम राउत, शोमैन सुभाष घई, अभिनेता फिल्मकार नीतीश भारद्वाज व कवि लेखक पद्मश्री प्रसून जोशी आदि यहां पर उपस्थित हुए और उन्होंने अपने अपने विचार भी रखे। इस पूरे कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने बड़े सुंदर और निष्पक्ष विचार रखे। कुल मिलाकर कार्यक्रम में राष्ट्रीयता व हिंदुत्व हावी रहा। सर, ये सर कि इस तरह के प्रोग्राम से कितना फ़ायदा होगा? बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिस तरह से संस्कार भारती ने इसका आयोजन किया है, बहुत अच्छा लगा इसमें भाग लेने का, इसमें आके मंच पर शामिल होने का। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ पे बुलाया। इस तरह के मंच जो है वो अधिकाधिक हों, और अगली साल मैं संस्कार भारती से कहूँगा कि ये सिने टॉकीज जो इनका उपक्रम है इसको और भी बड़ा करें। इस साल भी बहुत बड़ा था, पर अगले साल इसे और भी बड़ा करें और सिर्फ मुंबई में सीमित ना रखें, भारत के अन्य शहरों में भी इसका आयोजन। मैं इस समारोह में जितने भी इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं और इस समारोह में जितने भी लोगों ने भाग लिया, सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना सिनेमा का जो फाइनल प्रोडक्ट है जितना वो महत्वपूर्ण होता है, और उतना ही उस पर चर्चा और विचार विमर्श भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि चर्चाओं से जो है दिशा मिलती है, चर्चाओं से एक डायरेक्शन मिलती है, और जो यहाँ पर जिसे मंथन कहा गया, वो मंथन जो है उसका अपना महत्व है, क्योंकि जो मंथन से अमृत निकलता है उसका तो महत्व है ही, लेकिन मंथन की जो प्रक्रिया है वो एक सुलझने की प्रक्रिया है, समझने की प्रक्रिया है। और इस जो समारोह है इसमें ये प्रयास किया गया कि भारतीय संस्कृति किस तरह से हमारे जीवन में परिलक्षित हो रही है उस पर चर्चा की जाए, तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच सुभाष जी, खासकर क्योंकि वो परामर्श कर रहे हैं और हमारे इंडस्ट्री के सुभाष जी जो हैं एक गाइड हैं, और उनका जो मार्गदर्शन है मुझे बहुत आशा है कि उससे आने वाली पीढ़ी को बहुत फ़ायदा होगा और हमारी भारतीय संस्कृति को जो सही रूप स्वरूप टीमों के माध्यम से सामने आना चाहिए उस पर बहुत सहयोग। दो दिवसीय जो समारोह हुआ उसका जो मैं सारांश समझा, उसकी मैंने प्रशंसा की, मुझे बहुत अच्छा लगा।
सारांश ये था, अगर हम भारतीय फिल्में बनाते हैं, भारतीय कहानी बताते हैं, भारतीय दर्शकों को बताते हैं, तो क्या भारतीय संस्कृति से जुड़ा नहीं होना चाहिए? ये सवाल आज खड़ा हुआ, दो दिन से उसकी चर्चा हुई। आने वाले बच्चों के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, जो इनोसेंट लोग हैं उनको बताने के लिए कि हमारे भारत में इतनी दूर इतनी सुंदर कहानियाँ हमारी स्वयं की संस्कृति, वो हमारे भारतीय निर्माण, भारतीय व्यक्तिक निर्माण के लिए इतनी आवश्यक है। तो ये जिम्मेदारी हमने हम सब फिल्म मेकर की है, वाले फिल्म मेकर्स की, स्टोरी टेलर्स की, कि हम अपने संस्कृति को ना भूलें, उसके बारे में जितना हम बता सकें, चाहे वो काव्य में हो, चाहे कला में हो, चाहे पेंटिंग में हो, पोएट्री में हो, गानों में हो, फिल्म में हो, वेब सीरीज में हो, ओटीटी में हो, हमारा हर कथन जो है उसमें भारतीयता होनी चाहिए। ये चर्चा दो दिन से चली, सब ने बहुत ही मूल्यवान विचार दिए। भारतीयता पर बहुत प्रहार होते हैं, भारतीय संस्कृति पर बहुत प्रहार होते हैं, लेकिन मैं बार बार उसे खड़ा होता देखता हूं कि सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं, पी रहा हूं विष युगों से सत्य हूं आश्वस्त। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं, पी रहा हूं विष युगों से सत्य हूं आश्वस्त हूं। ये मेरी माटी लिए है गंध मेरे रक्त की, ये मेरी माटी लिए है गंध मेरे रक्त की, जो कहानी कह रही है मौन की अभिव्यक्त की। मैं अभय लेकर चलूंगा, मैं व्यथित ना त्रस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं, वक्ष पर हर वार से अंकुर मेरे उगते रहे, वक्ष पर हर वार से अंकुर मेरे उगते रहे, और थे वे मृत्यु भय से जो सदा चुकते रहे। भस्म की संतान हूं मैं कभी ना ध्वस्त हूं, भस्म की संतान हूं मैं कभी ना ध्वस्त हूं। सर क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं, है मेरा उद्गम कहां पर और कहां गंतव्य है, मेरा उद्गम कहां पर और कहां गंतव्य है, दिख रहा है सत्य मुझको रूप जिसका भव्य है। मैं स्वयं की खोज में कितने युगों से व्यस्त हूं, मैं स्वयं की खोज में कितने युगों से व्यस्त हूं। सर क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं, है मुझे संज्ञान इसका, है मुझे संज्ञान इसका, बुलबुला हूं सृष्टि में, है मुझे संज्ञान इसका, बुलबुला हूं सृष्टि में, एक लघु सी बूंद हूं मैं एक शाश्वत दृष्टि में, एक लघु सी बूंद हूं मैं एक शाश्वत दृष्टि में, है नहीं सागर को पाना मैं नदी संन्यास्त हूं। सर क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं।